इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। बच्चों के बीच शुरू हुई लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस झगड़े में दबंग पक्ष के व्यक्ति ने मां बेटी को चाकू मार कर घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दतिया की बुंदेला कॉलोनी में एक मकान में रहने वाले दो किराएदार बच्चों से शुरू हुई लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के नेहा और उसके मिलने वाले धर्मेंद्र ने दूसरे पक्ष के मनोज यादव की पत्नी और बेटी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मां बेटी घायल हो गई। परिजन घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उनको तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी झांसी पहुँच गई और धर्मेंद्र यादव, नेहा शर्मा व उसके पति पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है। करीब 7:30 बजे की बात है, ये अर्चना जैन के मकान में दो किराएदार रहते थे, तो इन लोगों के बीच में बच्चों के मुवाद को लेकर आपस में विवाद हुआ था। इस पर से एक पक्ष जो घायल पक्ष है यादव, ये मनोज यादव का परिवार था, इनकी पत्नी और इनकी बेटी, इन पर नेहा शर्मा, मनोज शर्मा और नेहा शर्मा का एक मित्र जिसका नाम धर्मेंद्र यादव के रूप में आइडेंटिफाई हुआ है, इन लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया, चाकू मारे, जिससे बच्ची थोड़ी ज़्यादा गंभीर हालत में घायल है और दोनों को झांसी रेफर किया गया है। पुलिस ने अपराध 307 का कायम कर लिया है तीनों आरोपियों के विरुद्ध और इनकी गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। टीम बना दी गई है और अति शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया। दतिया से रवि रायकबार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।